आप सभी ने सुना होगा कि पावर टेंड्स टू करप्ट, एन एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर को। तो सरल भाषा में समझें तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि जो गवर्नमेंटल पावर है वो गवर्नमेंट की ऑर्गन के बीच में कुछ इस तरीके से बाइफरकेट की गई है, डिवाइड की गई है कि तीनों ऑर्गन के जो अपने कोर पावर और फंक्शन हैं वो वही ऑर्गन परफॉर्म करते हैं, उनके अलावा कोई दूसरा ऑर्गन नहीं परफॉर्म करता। और साथ ही साथ तीनों ही ऑर्गन गवर्नमेंट के दूसरे की पावर और फंक्शन के साथ इंटरफेयर और इंटरवीन नहीं करते। लेकिन स्टिल आपको इंडिया में एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम देखने मिलता है और तीनों ही ऑर्गन के बीच में एक अमालगमेशन भी देखने मिलता है। अगर वर्किंग की भी हम बात करें, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम तीन ऑर्गन की बात करें, दैट इज़ लेजिस्लेटिव जो कि लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करता है, एंड देन द जुडिशरी जो लॉ को फाइनली इंटरप्रेट करती है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस है, इसका मतलब कि अगर कोई जो जुडिशरी है, कोई लॉ बनता है तो वो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, यानी कि वो लॉ गलत है, सही है, या कितना गलत है, कितना नल एंड वॉइड है, क्या टेक है जुडिशरी का लॉ पर। उसके बाद अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो अगर लेट्स से अगर हाउस सेशन में नहीं होते तो जो प्रेजिडेंट होता है वो लॉ बना सकता है, वो ऑर्डिनेंस प्रोम्यूलगेट कर सकता है। तो इस तरीके से हमें एक सिस्टम ऑफ चेक बैलेंस मिलता है और हम देख सकते हैं कि एक अमालगमेशन है तीनों ही ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन जो बेसिक और कोर पावर है हर ऑर्गन की वो कोई दूसरा ऑर्गन नहीं परफॉर्म कर सकता। लेट्स से अगर जुडिशरी इंटरप्रिटेशन का काम छोड़ के लॉज बनाने लग जाए तो इसका मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है, या फिर जो लेजिस्लेटिव है यानी कि जो लॉ बनाने वाली बॉडी है वो अपना सारा काम छोड़ के लॉज को इंटरप्रिट करने बैठ जाए तो ये कम्प्लीटली गलत होगा। तो इसका मतलब एक वाटर टाइट सेपरेशन इंडिया में तो हमें देखने नहीं मिलता। एरिस्टोटल ने भी अपनी बुक पॉलिटिक्स में सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र किया है और उसको समझाया है। अगर अब हम ऑब्जेक्टिव्स देखें, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्राइन है उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहले तो है आर्बिट्रेरीनेस को रिमूव करना। सीधी सी बात है, अगर कोई अथॉरिटी है और उसके पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है, तो हो सकता है कि वो करप्ट प्रैक्टिस करे या उसका वो आर्बिट्रेरी यूज़ करे, यानी कि जितनी पावर कन्फर्ड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन उससे ज़्यादा बढ़कर वो पावर करे, जो पावर उस अथॉरिटी के पास है भी नहीं वो प्रैक्टिस करे। तो सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर करता है कि किसी भी तरीके की आर्बिट्रेरीनेस है तो वो एलिमिनेट हो जाए। उसके बाद कुछ और ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट करना, एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों की सरकार है, पीपल ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद एक सर्टेन लिमिट, जो तीनों ही ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों ही ऑर्गन की अपनी एक लिमिट है, अपना एक एरिया है जिसके विद इन रहकर ये वर्क करती हैं। हालांकि एक सिस्टम ऑफ चेक बैलेंस है, लेकिन जो कोर वर्क है आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, यानी कि कहीं ना कहीं एक एम्बिट डिसाइड हो रहा है तीनों ही ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का कि कितने एरिया में रहकर क्या इनकी पावर्स हैं, क्या इनके फंक्शंस हैं और क्या इनकी लिमिट है जिसके बाहर इनको काम नहीं करना है। साथ ही साथ बैलेंस बना रहता है, सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्राइन से एक बैलेंस बना रहता है इन ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर अब हम बात करें यूके की, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम में क्योंकि आप सभी जानते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होता है। एक आपको वाटर टाइट सेपरेशन नहीं देखने मिलता, यानी कि अमालगमेशन रहता है अथॉरिटीज़ में। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूएसए की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पर आपको कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर मिलता है। अगर एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं तो वो कम्प्लीटली प्रेजिडेंट में वेस्टेड होंगी, अगर लेजिस्लेटिव पावर है दैट्स इन द हैंड ऑफ कांग्रेस, और ठीक उस तरीके से अगर सिर्फ इंटरप्रिटेशन पावर है तो दोज आर इन द हैंड्स ऑफ फेडरल कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो एक कम्प्लीट सेपरेशन हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज़ यूएसए में हमें देखने मिलता है। इंडिया में एक बहुत ही अच्छे से सिस्टम है, दैट इज़ चेक एंड बैलेंस। इसका मतलब बिल्कुल वाटर टाइट डिवीजन नहीं है, तीनों बॉडीज़ जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में वर्क करती हैं, वो कॉपरेशन में वर्क करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो अपना बेसिक और कोर फंक्शन है
उसमें इंटरवीन नहीं होने देती दूसरी ऑर्गन को और खुद भी किसी ऑर्गन को इंटरवीन नहीं करती हैं। तो ये है सेपरेशन ऑफ पावर, और स्पेसिफिकली सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया आपने देखा। हालांकि अगर आपको लगता है कि इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्राइन है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें अगर आपको कोई ड्रॉबैक लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लॉ सीखो की और भी वीडियोस देखें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।